यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कन्नौज में फर्जी सर्जन का मामला भी शांत नहीं हो सका था कि एक और फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ के एक हॉस्पिटल ने पित्त का ऑपरेशन करने के नाम पर महिला से हजारों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन दो साल बाद दोबारा दर्द उठने पर जब उसने जांच कराई तो पता चला कि ना पित्त की थैली निकाली गई है और ना ही उसकी पथरी। न्याय पाने के लिए पीड़िता अपने भाई को साथ लेकर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उसे जाँच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सीएमओ का कहना है कि एससीएमओ का पैनल बनाकर जांच शुरू करवाई जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो महिला लगातार चक्कर लगा रही है और उसका कहना है कि उसे जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसकी जांच की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है और इसी फर्जीवाड़े को लेकर महिला से हजारों रुपए ठगे गए हैं, लेकिन जो इलाज किया जाना था वो सही तरीके से नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन के नाम पर एक बार फिर से ठगी की गई है और अब महिला अपने भाई को लेकर जगह जगह भटक रही है और उसका कहना है कि उसे जिस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी की गई है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले की जांच की जानी चाहिए।